आप किसको कन्विंस कर सकते हो? अच्छा, आई एम आस्किंग यू, डोंट, व्हाई डोंट यू आस्क मी योर क्वेश्चन? कन्विंसिंग इन व्हाट मैटर, इन व्हाट फील्ड? हर फील्ड में आप कन्विंस कर सकते हो हर एक को? नहीं कर सकते. सो आई एम आस्किंग, कैन यू कन्विंस अ पर्सन, एंड इन व्हिच फील्ड कैन यू कन्विंस अ पर्सन? आप बताओ मेरे को. चलो आप आपकी एक फील्ड बताओ, पहले फील्ड बताओ, या आपकी कोई चीज बताओ कि सर इस चीज में या इस फील्ड में इस जगह पे आई कैन कन्विंस अ पर्सन. कोई एक चीज तो है आपके लाइफ में जहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ. आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये पार्ट में, इस जगह पे, इस फील्ड में मैं किसी को भी कन्विंस कर लूंगा? कोई फील्ड तुमको याद है? हाँ विशाल, कोई भी नहीं है? बच्चों को पढ़ाने में, छोटे बच्चों को. आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी को भी, बच्चों को कन्विंस कर सकते हो या किसी को भी कन्विंस कर सकते हो? बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं. बच्चों को कन्विंस कर, पढ़ाने से बच्चे कन्विंस हो जाएंगे. और कोई क्वेश्चन? सर, पेशेंट को कन्विंस कर सकते, कन्विंस कर सकते, ज्यादा पैसे देने को. मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू टॉक टू पीपल. Without convincing, they cannot take the admission. Like my, I say my counselor also, admission के लिए बच्चा तो you have to convince him. अगर admission मैं तुमको convince नहीं करता तो admission लेते थे. Because I know how to convince you people. That is the art. So I can say computer में अगर admission लेना है और English अगर सिखाना है तो I can convince everybody कि तुम मेरे पास सीखो. And I can convince the person, person will take the admission if it's really need that. तो convince करने के लिए खाली direct मैं उसको convince नहीं करूँगा. पहले I'll see his or her need कि ये इसको कंप्यूटर करना नहीं है या नहीं, वो कंप्यूटर करना चाहता है या नहीं चाहता, ये इंग्लिश करना चाहता है, या मैं किसी के पास में जाके बोल दूं जिसने कंप्यूटर किया उसके भी पीछे पड़ जाऊं तो कंप्यूटर कोर्स करो, बुलाओ मैं तुमको ही सिखाता हूं. करेक्ट है क्या? मींस व्हाट आई एम सेइंग यू, कन्विंसिंग में क्या है, व्हाट इज दिस, यू शुड, यू हैव टू रीड अदर पीपल आल्सो. That, in that condition you can convince the person. Correct, okay? So my question is this, कि आपने अभी तक मेरे को आंसर नहीं किया सही से, कि कोई आपके एक फील्ड तो ऐसी होगी जिसमें आप बोल सकते हो कि मैं किसी को, जैसे उन्होंने एक बताया कि हम पेशेंट को कन्विंस, पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं. तो यू कैन से अच्छा वर्ड के हिसाब से तक पेशेंट के अलावा customers. Take the cheats with, keep this cheats with you. I wonder. Okay? Customers. तुमको ऐसा मानना चाहिए ना, जिसको भी medical treatment की ज़रूरत है, और medical treatment में you can define better कि इस medical treatment की ज़रूरत है. समझे? अब मैं तुमको बता दो, अपने बोला patient को हम लोग convince कर सकते हैं कि आपको treatment करना चाहिए, लेकिन आपने मेरे को बीमारी नहीं बताई. Dentist. So what was the problem? सही जगह पे सही वर्ड यूज़ करना. सही जगह पे सही वर्ड यूज़ करना. पहले सोचना था कि हम किस फील्ड में और उसको फिट कौन सा करता है, या उसको एलाबरेट करके बोलना जरूरी. आप समझ में आपकी, नहीं तो हम लोग कभी कभी एक वर्ड बोल देते हैं फिर फंस भी जाते हैं. कौन से इसमें कैसे, अभी आपने मेरे को बोला था पेशेंट को, मैं सब भेजता था कैंसर के. अगर आप कन्विंस करना चाहते हो तो जिसमें आप क्वालिफाइड हो, मतलब किस चीज के लिए आप कन्विंस कर रहे हो. आर यू एबल टू टेक दैट और नॉट? पेशेंट अगर बोल दिया आपने
तो बहुत बड़ा बड़ा वर्ल्ड है सारे पेशेंट्स उसमें, सो यू कैन गो रॉन्ग दैट, जबकि आप बोल रहे हो बराबर ठीक है, लेकिन आपका बोलना थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उससे आपकी लाइफ में मजाक बन सकता है, जोक्स हो सकते हैं, यू गॉट इट, सो देयर द एजुकेशन इज देयर, इवन यू नो कि आई कैन कन्विंस एंड यू आर गोइंग टू कन्विंस इट, लेकिन सिर्फ एक ही फर्क होता है कि वर्ड का फर्क होता है, एक मामूली वर्ड फर्क कर सकता है, समझे, अभी एक आदमी बोलता है यस आई कैन कन्विंस, अगर कोई मेरे को बोलता है हाउ मेनी दे आर देयर दे कैन कन्विंस इन कुकिंग, कुकिंग में आप कन्विंस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वापस पूछता हूँ कुकिंग में कितनी फीमेल्स हैं जो कुकिंग में इधर कन्विंस कर सकती है, कितनी फीमेल्स हैं, वन सॉरी मैम कैसे तुम लोग कुकिंग में कन्विंस कर सकते हो, फिर आपने डिश नहीं बोला, यस सर, अभी मैं